मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। ये बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित है। सर्वप्रथम इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना संभवतः कविता के अध्ययन को सरल बनाएगा। तो बच्चों, हमारी कविता भारत भारती नामक काव्य खंड का हिस्सा है, जो तीन भागों में विभाजित है। इसके तीन भाग अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड हैं, और इस काव्य खंड ने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी जगत में एक विशेष सम्मान प्रदान कराया है। हम इस कविता को वर्तमान खंड के अंतर्गत पाते हैं। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली था, विश्वगुरु, अध्यात्म गुरु, सोने की चिड़िया आदि नामों से विख्यात था, परंतु वर्तमान समय विदेशी सत्ताधारियों के अधीन रहते हुए इतना अधिक शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, जिसके कारण भारत की वर्तमान दशा अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। कवि अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, अतः भारत की दुर्दशा ने कवि के मन को बेहद कचोटा और उनकी लेखनी भारतवासियों के सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए व्याकुल हो उठी। यह कविता हमें बताती है कि समय परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति हो, अवस्था हो, समय हो, मौसम हो, एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तनशीलता प्रकृति का अखंड नियम है। जहां आज निर्माण है, कल विनाश है। आज बसंत है, कल पतझड़ होगा। आज उत्थान है, कल पतन होगा। आज सुख है, कल दुख होगा। आज संपन्नता है, कल विपन्नता होगी या विपदा होगी। तो प्रकृति के ये नियम ठीक उसी प्रकार गतिशील रहते हैं जिस प्रकार रात दिन, दिन रात को लेकर आता है और रात दिन को लेकर आती है। तो कवि बता रहे हैं, एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष अपने सद्गुणों, अच्छाइयों के लिए समूचे विश्व भर में पूजा जाता था। सब भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते थे, परंतु आज भारत की जो दुर्दशा है, इसके विषय में कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया था। कवि भारत के इस पतन, इस अवस्था जिसमें भारत दलित है, पीड़ित है, शोषित है, से उभरने के लिए भारतवासियों को सजग कर रहे हैं और अपनी कलम को कहते हैं कि हे कलम, तू कुछ इस प्रकार के भाव लिख, शब्द लिख, विचार लिख, जो भारतीयों के सोए स्वाभिमान को जगा दे। कवि भारतीयों के मनोबल को बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भारतवासियों, जागो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और आज की दुर्दशा को देखकर हिम्मत मत हारो, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ प्रतिपल, हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं।
जो आज विषम परिस्थिति है, दुर्दशा है, इसके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम इस दुर्दशा के शिकार हुए। कभी ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई तत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अनेक शक्तियां उसे नीचे की ओर खींचने लगती हैं। भारत का जो इतना अधिक विकास था, जो इतनी अधिक संपन्नता थी, संभवतः इस पतन को, इस दुर्दशा का उसी ने निमंत्रण दिया था। फिर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज सुखी है कल दुखी था, जो आज उन्नति को प्राप्त कर रहा है कभी वो अवनत थे। इस संसार में जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन तय है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश तय है। जहाँ दुख है वहाँ सुख अवश्य आएगा, तो पीड़ा इस बात की नहीं है कि हमारा शोषण हुआ, हमारा वैभव लूट लिया गया। पीड़ा इस बात की है कि भारतवासियों ने हिम्मत हार दी है और इस कष्ट को, इस अवनति को, इस दरिद्रता को, इस दुर्दशा को अपना भाग्य मान लिया। यदि हम इसे अपना भाग्य मानकर बैठ गए तो पुनः कभी भी विकास को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होंगे। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में चांद की चांदनी भी एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका शोक इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि अगले ही दिन से वह फिर पूर्णता के लिए प्रयास आरंभ करती है। बसंत आता है, प्रकृति हरी भरी, रंग बिरंगी, मोहक हो जाती है, लेकिन पतझड़ के आने पर वही प्रकृति शुष्क हो जाती है, नीरस हो जाती है, बेजान हो जाती है, लेकिन फिर बसंत को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर आत्मविश्वास से उठे, संघर्ष किया, अपनी शक्ति को पहचाना, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, हम उत्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कभी कभी अतीत के गौरव को याद कर रोमांचित होते हैं, कभी वर्तमान की दुर्दशा को देखकर दुखी होते हैं, और कभी भविष्य की चिंता उनके मन को कचोटने लगती है, उथल पुथल मचाती है। तो कवि कहते हैं कि मेरी कलम आज जो लिखेगी, निश्चित रूप से उसे पढ़कर आज का भारतवासी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, सजगता के साथ सजग होगा और वह अपने युग को पहचान कर उत्थान के लिए प्रयास करेगा। साथ ही कवि अपने दायित्व को भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि युग की चेतना को, देश काल को समझकर उस पर अपनी कलम चलाना कवि का कठिन कर्म है। वह जब तक प्रेरणा करने वाले, सजग बनाने वाले विचारों को नहीं प्रस्तुत करता तो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। अतः वो वर्तमान के प्रति सतर्क, सचेत, जागरूक करने हेतु इस कविता की रचना कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इस कविता के अध्ययन को इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करेंगे। पद संख्या 4। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित
भारत भारती नामक काव्य खंड से ली गई है। यह भारत भारती के वर्तमान खंड का हिस्सा है। संदर्भ, यहाँ कवि भारत की दुर्दशा का, भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। शब्दों के अर्थ, चर्चा बातचीत, हमारी भारतवासियों भी कभी किसी समय संसार दुनिया सर्वत्र सब जगह कि एक समय ऐसा भी था जब भारतवासियों के यश का गान पूरे विश्व में होता था। सब लोग भारतीयों की श्रेष्ठता का गुणगान करते थे और वो गुणगान इस प्रकार होता था जैसे यह सद्गुणों की कीर्ति कि वो अच्छे गुण, सद्गुण अच्छे गुण, कीर्ति यश, मानो ऐसा प्रतीत होता है। एक और कलत्र थी, कलत्र माने भारिया, पत्नी, अर्धांगिनी, हम सफर। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ भारत का नाम हो वहाँ भारत के सद्गुणों का नाम ना हो, उसके उत्तम गुणों का नाम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। जिस प्रकार दंपत्ति यानी पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते थे या होते हैं, यहाँ कवि कुछ इसी प्रकार का भाव कह रहे हैं। भारत की चर्चा हो और उसके गुणों का गुणगान ना हो, ऐसा कभी नहीं होता था। और जहाँ गुणों का जिक्र आता था तो वहाँ भारत का नाम आता था, यानी गुण और भारत एक दूसरे के पूरक बने हुए थे, एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी, दुर्दशा बुरी हालत, स्वप्न सपना कि इस भारत की आज जो दयनीय दशा है, जो सोचनीय दशा है, इसके विषय में क्या कभी किसी ने विचार किया था? अर्थात नहीं किया था, किसी ने नहीं सोचा था कि आज भारत जो उन्नति की प्रकाष्ठा पर है, विकास की चरम सीमा पर है, किसी दिन ऐसा भी होगा कि वह असह्य, असहनीय पीड़ा को सह रहा होगा। क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था? अब कभी अपने आप से प्रश्न करते हैं या अपने मन में विचार करते हैं, पतन माने होता है अवनति, विकास का नाश, हमारा, हम भारतवासियों का अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं, अर्थात असीम, विपुल, अत्यधिक, बेहद उत्थान विकास। कि कवि खुद से प्रश्न करते हैं कि भारत ने जो इतनी उन्नति की थी, इतना विकास किया था, इतना उत्थान किया था, क्या वो उत्थान ही हमारे इस पतन का कारण है? क्योंकि कवि समझते हैं कि अगर इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य, इतना वैभव, इतना गुण, इतनी श्रेष्ठता भारत में न रही होती तो संभवतः जो विदेशी प्रजातियां या जातियां भारत की ओर आकर्षित हुई, संभवतः नहीं होती और इतना अधिक शोषण नहीं होता। बच्चों, प्रकृति का ये अखंड नियम है, जब भी कोई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है तो कुछ लोग उसके प्रशंसक होते हैं और कुछ लोग उसके निंदक होते हैं। तो प्रशंसक उससे कुछ पाने की चाह में आते हैं, निंदक उसको गिराना चाहते हैं। यहाँ कवि ने कुछ इसी प्रकार की भाव साम्यता वाले भाव को प्रकट किया है कि शायद भारत का जो अत्यधिक विकास था, उन्नति थी, यश था, गौरव था, उसी से आकर्षित होकर विदेशी लोग भारत में आए,
और उन्होंने यहाँ आकर भारत का शोषण किया, भारत का जो सौंदर्य था उसका हनन किया और धीरे धीरे करके पतन की ओर भारत जाता चला गया। एक बार और इस पद की व्याख्या कर रही हूँ बच्चों, भारत की वर्तमान दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण विश्व में हम भारतीयों का यशगान गूंजता था, गौरव गूंजता था। ऐसा लगता है कि भारत के जो श्रेष्ठ गुण थे, जो अच्छे गुण थे, उनका यश इस प्रकार विश्व में था मानो ये यश भारत की पत्नी या भारिया के समान हो। अर्थात जहाँ भारत का जिक्र हो वहाँ अवश्य उसके गुणों का गुणगान होता था, और जहाँ गुणों का वर्णन होता था वहाँ भारत का नाम स्वतः ही आ जाता था। तो कवि कहते हैं, किसी ने भी शायद सपने में भी भारत की इस दुर्दशा के विषय में विचार नहीं किया था। फिर कवि अपने आप से प्रश्न करते हैं कि शायद भारत का इतना वैभव, इतना यश, इतना गौरव, इतने गुण ही वो कारण बने जो विदेशियों को भारत की ओर खींच लाए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के विशेष गुणों को छीनना, उनका हनन करना, उनका पतन करना आरंभ कर दिया। ध्यान रखना बच्चों, सोमनाथ के मंदिर की घटना कि अतुल वैभव ही था जो 17 बार उस पर आक्रमण का कारण बना। तो संभवतः कवि यही कहना चाहते हैं कि एक ओर जहां सद्गुणों के पूजक यहां आकर रम गए, उन्होंने इससे गुणगान सीखा, और जो स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, लालची प्रवृत्ति के थे, उन्होंने यहाँ का जो सौंदर्य था, जो शक्ति थी, उसको नष्ट करना, छीनना, बलपूर्वक ले जाना, ऐसे प्रयास करके भारत का शोषण किया और भारत की इस दुर्दशा का कारण बने। कवि के कहने का भाव यह है कि जब जब हम श्रेष्ठता की चरम सीमा की ओर जाते हैं तब तब कोई न कोई शत्रु हमारी ओर अवश्य अपना कदम बढ़ाता है। विशेष यहाँ भारत की विशेषताओं का चित्रण किया गया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरि गीति का छंद है, गे शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है, अलंकार बच्चों चर्चा हमारी भी स्मरण अलंकार है, कलत्र रूपक अलंकार है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है दोनों में तो प्रश्न अलंकार है, यानी यहाँ पर अनुप्रास, स्मरण, रूपक, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 5, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी, हस्ते प्रथम जो पद्म है तम पंक में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कवि उन्नति अवनति, खिलना मुरझाना, हंसना रोना, सुख दुख साथ साथ चलते हैं और यह प्रकृति का अटल नियम है। इसी भाव को समझाते हुए कवि कहते हैं कि सरलार्थ, सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ, उन्नत विकास को प्राप्त रहा होगा कभी, कि कभी न कभी उसकी उन्नति जरूर हुई होगी, अवश्य हुई होगी। अवनत अवनति,
पतन कि जो आज पतन को प्राप्त है। कि कवि कहते हैं, यदि किसी का विकास न होता हुआ हो या जिसका कभी विकास नहीं हुआ है उसका भला पतन भी क्या होगा। जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी, कि जिसो आज हम उन्नति करता हुआ पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो कभी न कभी अवश्य अवनति में रहा होगा, यानी उसका कभी विकास नहीं रहा होगा। वो अपनी चाहे प्रारंभिक दशा में रहा हो अथवा उसका विनाश हुआ हो, तभी वहाँ निर्माण और विकास संभव है। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, हस्ते मानवी गण अलंकार है बच्चों, हस्ते शब्द का अर्थ है यहाँ खिलना। प्रथम पहले पद्म कमल, तम अंधेरा, पंख कीचड़, फस्ते गिर जाते हैं। कि जो कमल के फूल पहले खिलते हैं, पहले हंसने लगते हैं, वही कीचड़ मुरझाकर कीचड़ में गिर जाते हैं और उस कीचड़ के अंधकार में कहीं न कहीं खोकर रह जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, मुरझे मुरझाए हुए पड़े पड़े रहते रहते हैं कुमुद कमल की कलियां। जो जो अंत में हंसते वही कि आखिर में वही खिलते हैं। कवि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले खिलता है वो पहले मुरझाता है और जो बाद में खिलता है वो लंबे समय तक खिला हुआ दिखाई देता है। अब सरलार्थ एक बार फिर कर रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए कि कवि कहते हैं कि जो आज अवनति को प्राप्त है वो अवश्य कभी न कभी उन्नत रहा होगा, उसकी उन्नति हुई होगी, क्योंकि अगर उसने विकास देखा ही नहीं होता तो उसका विनाश कैसे संभव था। यानी हमें, यानी भारतवासियों को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि आज हमारे देश का पतन हो गया है, बल्कि विचार करना चाहिए कि ये पतन हुआ क्यों, इसे कैसे रोका जा सकता है और पुनरुत्थान कैसे हो सकता है। कि जो उन्नति हमारी कभी थी उस उन्नति के कारण हम में ही मौजूद हैं, तो हम उन कारणों को पहचाने और दोबारा उन्नति को प्राप्त हों। जो आज विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है वो अवश्य कभी न कभी अवनति में रहा होगा, या तो उसने विकास को किया ही नहीं था और यदि विकास कर लिया था तो उसका पतन हुआ होगा, तभी वह साहस के साथ उठा और उसने विकास किया। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जो कमल के फूल पहले खिलते हैं वह पहले मुरझाते हैं, मुरझाकर कीचड़ में गिरते हैं और कीचड़ के अंधेरे में खोकर कहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कमल बाद में खिलते हैं, पहले मुरझाए रहते हैं, वही अंत समय में खिले हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि हे भारतवासियों, आज अगर मेरे देश की दुर्दशा है, अगर इसकी दयनीय स्थिति है, आज अगर यह सोचनीय दशा को प्राप्त हो चुका है, तो निश्चित रूप से कभी न कभी यह विकास की चरम सीमा पर स्थापित हुआ होगा। आज हम दिन देशों को विकसित अवस्था में देख रहे हैं, वो पहले इस विकास को प्राप्त नहीं हुए होंगे, तभी आज आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कवि के कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य को सुख दुख, उत्थान पतन, निर्माण विनाश, रात दिन, धूप छाव, इनकी एक साथ उपस्थिति को महसूस करना चाहिए कि ये प्रकृति का अटल नियम है, एक के बाद एक इनका आना जाना तय है। सुख दुख को लेकर आता है, दुख सुख की ओर बढ़ता है, अतः हम भारतवासियों को इस दुर्दशा में हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए,
बल्कि विकास के लिए प्रयास करने चाहिए और दोबारा उन्नति की ओर चलना चाहिए। विशेष यहाँ कवि भारत के अतीत गौरव का गुणगान भी कर रहे हैं और वर्तमान की सोचनीय दशा पर विचार भी कर रहे हैं और भारतीयों को कार्य करने की कर्मठता की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ये भी बता रहे हैं कि उत्थान पतन, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश साथ साथ चलते हैं। हमें दोनों को समान भाव से ग्रहण करते हुए हमेशा आगे बढ़ते चलना चाहिए। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है। यहाँ भी बच्चों स्मरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तम पंक रूपक अलंकार है, इस पद में अनुप्रास रूपक संदेश स्मरण पदमैत्री उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा है आपको यह विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, आपका जीवन और दिन शुभ रहे, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।